किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलना वो देश विरोधी, न्यायिक प्रक्रिया विरोधी कैसे हो सकता है, कैसे हो गया? आलोचना जो है वो अवमानना में तब्दील हो जाए, ये बड़ा दुखद है। प्रशांत भूषण जी पर अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो दायर हुआ है, मैं मानता हूँ कि ये प्रशांत भूषण जी ने जो आवाज़ उठाई है वो पूरे देश के बहुसंख्यक आबादी का एक आवाज़ है। आज के दौर में न्यायपालिका का विश्वसनीयता संकट के दौर में है। ट्विटर का मैटर उठा के पुनः अवमानना का केस चलाना, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय में, ये सर्वोच्च न्यायालय के विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करता है। एक तरह से ये अवमानना का जो मसला बना है सिर्फ प्रशांत भूषण का ही नहीं, ये पूरे देश के लिए है। जो प्रशांत भूषण के ऊपर जो अवमानना के जो केस या आरोप दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। हम सब देश के सभी नागरिक प्रशांत भूषण जी के साथ है और उनके सहयोग में खड़े हैं। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in